क्या कह रहा के घर वालों? इतनी जल्दी क्या बताएंगे बेटा, उन्होंने कुछ वक्त मांगा है और गलत भी नहीं है। शादी कोई गुड्डी गुड़िया का खेल तो है जो फौरन राजी हो जाए। क्यों छुपा रही हैं दादी? सच सच बता दें कि आपके पोते को इनकार हो चुका है। ये आपको किसने बताया? आपको क्या लगता है आप मुझे छुपाएंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? बेटे मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। इस इनकार की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। अगर हीरा मेरी ना हुई ना तो किसी और की भी नहीं होगी। शहीर मेरी बात तो सुने। शहीर या अल्लाह क्या कह रहे हैं, ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। कसम खुदा का कितना मना करती थी ना मैं, लेकिन इस घर में मेरी कोई बात सुने तब ना। अब देख लेना हामिद अली, अब पता चलेगा कि भतीजी साहिबा खुद रिश्ता लेकर आ रही है इश्क माशूकी लड़ाकर। वैसे शुक्र है खुदा का चचा की इज्जत का थोड़ा सा लिहाज आ गया तुम्हें, वरना अगर इस घर से तुम भाग जाती माँ की तरह तो हम क्या बिगाड़ सकते थे तुम्हारा। हाँ बात सुनो मेरी, सच सच बताना, अगर तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया तो घर छोड़ के भाग तो नहीं जाओगी? मंसूबा तो नहीं बना रखा तुमने? चाची जान मैं क्यों ऐसा करूंगी, मुझे तो ये तक मालूम नहीं था कि वो लोग रिश्ता लेके आ रहे हैं। अच्छा बस ये सब कुछ ड्रामे ना मेरे सामने मत करो, जहर लग रही हो मुझे इस वक्त तुम। और कसम खुदा का जरा बराबर लिहाज नहीं आई, इतनी सी भी हया नहीं आई माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए। तौबा तौबा, वैसे खून का असर आता जरूर है, कितनी ही अच्छी तरबियत क्यों ना कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता।